अस्सलामु अलैकुम। तो यहाँ पे मैं घर की सफाई करने जा रही थी और उज्मा को देखो, मुझे चटाई उठाने नहीं दे रही है। सुबह से मैं जो चौथी बार कोशिश कर रही हूँ चटाई उठाने की, बट वो उठाने नहीं दे रही है। उसको मस्ती आ रही है। एक्चुअली कैसा, वो दिन भर घर में खेलती रहती है ना, उसके पैर को ठंडा लगता है, इसलिए वो चटाई उठाने ही नहीं दे रही। उसको मैं बोल रही हूँ मैं वापस डालूंगी बेटे, नहीं सुन रही है। स्टार्ट कर रही, दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं सुबह से बहुत बिजी थी। उज्मा फिर से आ गई अंदर। उज्मा हाय बोलो। ये कहाँ है, कहाँ है मेरा बेटा? दिख रही नहीं तो, दिख रही नहीं तो। टेस्ट कर रही थी क्या खा रही है वो, वरना कभी कभी क्या होता है, वो थर्मोकोल होता है ना, थर्मोकोल वो भी ले लेती है मुंह में। तो ऐसा है, तो सुबह से बिजी इसलिए क्योंकि आज पानी नहीं मिला, तो बारिश जो आ रही है ना बाहर, बहुत जोरों की बारिश आ रही है, तो वही पानी ले लेके कैन में कपड़े धो रही थी हाथों से। मशीन लगाई थी बट मशीन में कपड़े नहीं धुल पाएंगे, इतना पानी नहीं है, तो मैंने हाथों से आज कपड़े धोए मेरे, बाबू के रह गए, बाबू के बाद में कल पानी वानी आया तो धोऊंगी, फिलहाल तो मैंने अपने धोए। तो अभी नहा के दोनों फारिक हुए, उज्मा को नहलाया, उसको तैयार किया, मैं नहा ली और मैं तो भूखी हूँ। उज्मा खाना खाए है ना, खाए यहाँ मैं खाती ना, मैं तो खा ली। और अभी देखे ना आप लोग कैसा मैं चटाई उठाने के लिए गई तो कैसा कर रही थी मेरी नजर उज्मा पे है। तो ऐसा है, अभी मुझे झाड़ू मारना है और बर्तन धोना। देखिए बर्तन यहाँ पे, इसके लिए भी बारिश का पानी का अभी जुगाड़ करना है। ये देखिए बर्तन, तो बर्तन अभी धोने बाकी है, झाड़ू मारना बाकी है, बाकी सारा काम हो गया। झाड़ू एक्चुअली सुबह में लग जाती है एक बार, लेकिन उस बार चटाई उठाने नहीं देती ना, तो उसके लिए डाल के रखना पड़ता है। जमीन ठंडी रहती है, बच्ची दिन भर घूमती रहती है वहां पे, इसके लिए चटाई को डाल के रखना पड़ता है। तो ऐसा है, तो अभी ये आई है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करती हूँ कहीं और कोने में और मैं वो जाके चटाई उठा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं किचन में इसलिए आई थी कि गोभी, दोनों गोभी रखी हुई, दोनों पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो जरा मैं आज फ्लावर को ही, मतलब फूल गोभी को ही थोड़ा हरे मसाले में सालन जैसा बना देती हूँ, ताकि दो दाल वगैरह बनाने की जरूरत ना पड़े। तो बस वही बनाने आई थी। आज शाम से थोड़ी छुट्टी लेती हूँ, शाम में नहीं बनाऊंगी, अभी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में कुछ खाने के लिए अभी है नहीं मेरे को, तो मैं अभी बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। उनको पप्पी दो, पप्पी दो। अरे बाबरे, हाँ तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले मैं एक ये लड्डू खा लेती हूँ जो बाबू ने लाए थे, मेथी के लड्डू और ये बतासे के लड्डू। ये मॉर्निंग में खाना चाहिए, सुबह सुबह नहार पेट तो बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, बट मुझे याद ही नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मैं पहले ये खा लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो लीजिए आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, अच्छा लगा मुझे। तो खाना बनाने से पहले मैं एक बार किचन को वापस साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो क्लीन ही है, देख रहे हो आप लोग, गैस भी क्लीन रहता है, किचन भी क्लीन रहता है, लेकिन मैं खाना बनाने से पहले अक्सर, या दिन हो या रात हो, मैं इसको क्लीन वापस करती हूँ। क्योंकि हम लोग खाना बनाने के टाइम पे कई बार ऐसा हो जाता है कि भूल से या जानबूझ के पता नहीं, लेकिन खाने की गड़बड़ी में चम्मच यहाँ वहाँ रख देते, खाने का सामान यहाँ वहाँ रख देते, तो इसलिए मैं किचन को क्लीन करना पहले ज़रूरी समझती हूँ। तो ऐसा है, पहले मैं स्क्रॉच ब्राइट बोल के स्क्रबर होता था, पहले मैं वो यूज़ करती थी, बट वो बारिश और ठंडी के टाइम पे ना सूखता नहीं ना धोने के बाद, तो वो चिकटपन रह जाता है उसके अंदर, इसलिए अब मैं कॉटन का कपड़ा यूज़ करती हूँ, जो 2-3 दिन यूज़ करो फिर फेंक दो, फिर दूसरा यूज़ करो, तो इससे क्या हाइजीन मेंटेन रहता है, तो इसीलिए। वरना वो स्क्रॉच ब्राइट लाने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाता है 130 रुपया या 150 रुपये में तीन आ जाता है और अच्छा चलता है, लेकिन ठंडी के मौसम में नहीं चल पाता है। तो ऐसा है,
और यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ फ्लावर गोभी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे मैं फ्लावर को अच्छे से काट रही हूँ, चेक करके काटना चाहिए ठंडी और सर्दी में, मैंने पहले ही बताया था बारिश हो या ठंडी हो, क्योंकि इसमें थोड़े दाग धब्बे रह जाते हैं। तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये काट लूँगी आज दोपहर में, बना लूँगी मैं ये सालन और रोटी, सालन और चावल, तो मैं मेरे लिए इजी हो जाएगा। एक्चुअली आप लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आप लोग रोटी नहीं खाते हो क्या, तो हम लोग खाते हैं डियर, रोटी खाते हैं, लेकिन मेरा जो आटा है ना वो ख़त्म हो गया है, और मैं ग्रोफर से ऑर्डर करने ही वाली थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है 2-3 दिन से, और बाहर का आटा नहीं खाते हम लोग, रोटी कड़क हो जाती है ऐसा लगता है, तो इसीलिए थोड़ा रुक रुक गए। और रोटी रोज़ खाते हम लोग के घर में, भले घर में बने ना बने, बाहर एक मैंने पहले भी बताया एक अंकल है बिसी का खाना बनाते हैं, तो वो घर की रोटियां बना के देते हैं, तो उनसे ही बाय कर लेते हैं हम लोग, 20 रुपए की 4 रोटी आती है, घर की रोटी होती है, तो वो लेके खा लेते हैं बाबू। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ रोटी की, तो मुझे चावल चल जाता है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने अच्छे से काट लिया और 2-3 पानी से वॉश कर लिया, और फाइनल मैंने पीने के पानी से यानी कलसी के पानी से भी वॉश कर लिया। अभी मैंने उसको गैस पे चढ़ाया है जस्ट एक उबाल आने के लिए, जो भी जर्म्स है वो पहले ही ख़त्म हो जाए इसलिए, तो ऐसा है। और यहाँ पे मैं ये जो मिक्सर है ना, इसको मैंने वॉश नहीं किया था, मिक्सर का जो डब्बा है ना उसमें गरम मसाला थोड़ा बहुत लगा हुआ था, और घर में पिसे हुए गरम मसाले को मैं ज़रा सा भी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है मैंने कितनी कीमती चीज़ों से उसको पीसा है, तो ऐसा है। तो वही डब्बे में मैं अभी मसाला तैयार करूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 कांदे यानी 2 प्याज को काट लिया है बारीक बारीक, और 2 टमाटो को बारीक बारीक काट रही हूँ। उसमें मेरे आजू बाजू खेल रही है, वो वापस मुझे बुला रही है चल अम्मी खेलने, बट मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, और आज तो घर में कुछ है भी नहीं खाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, ऑमलेट खा लेती हूँ, ब्रेड खा लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ दोपहर के वक्त तो थोड़ा मोड़ा खा ही लेती हूँ मैं, कभी रात का रह जाता है, बट आज कुछ भी नहीं है, तो ज़रूरी है मुझे खाना बनाना, तो मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो ऐसा है। और यहाँ पर मैं पहले ही गैस पर कुकर चढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ मसाला पीस जाएगा और साथ ही साथ खाना पक जाएगा इसीलिए। तो ऑनियन को मैंने काट लिया है, तो अभी मैं कुकर चढ़ा दी हूँ इसको गर्म करने के लिए, इसमें तेल ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने मिर्ची मसाले के लिए निकालने के लिए ये पॉलीथीन निकाला, तो देखा इसके अंदर थोड़ी मिर्ची है जो है ना वो नम हो गई थी, देखिए गल जाती है, तो मैंने सोचा जो अच्छी है उसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और इसको वॉश करके रख लेती हूँ, और बाकी जो कचरा है वो मैं फेंक दूँगी, तो ऐसा है। और अक्सर यही होता है ठंडी बारिश के वक्त पे ना, मसाला हो, सब्ज़ी हो, राशन हो, दाल हो, कुछ भी हो, सब में प्रॉब्लम आती है, सब में, तो वही हो रहा है और कुछ नहीं। इसलिए सोच सोच के घर की चीज़ें भी मंगा रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ मंगा नहीं रही हूँ यही डर की वजह से कि वेस्ट ना हो कोई चीज़। तो यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता लेने गई थी, क्योंकि मुझे बघार के लिए कड़ी पत्ते की ज़रूरत है, वो भी मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। तो अभी मैं यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी, और ऑयल गरम होने के बाद डायरेक्टली मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी, बिकॉज़ अभी राई है ना वो मेरी छोटी दुकान में है, वो मैंने छोटी दुकान मतलब मेरी टाकी है ना जो, वो निकालो फिर उसको खोलो, तो मैं उसको फुर्सत में खोलूंगी, अभी फ़िलहाल मैं राई ऐड नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, डायरेक्ट मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड करूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैं बाजू में ना मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ, तो ऐसा है। और अभी ये कड़ी पत्ती के बाद मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूंगी, ऑनियन थोड़ा पके जब तक कि मैंने ये मसाला देके साइड में रेडी कर दिया है। ये डब्बे में कुछ नहीं है, इसमें एक ऑनियन है, अदरक लहसुन है, कोतमीर है, कोतमीर मतलब हरी धनिया की पत्ती, और 3 हरी मिर्ची है, और मैंने इसमें ऐड किया धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की बस, और ज़ीरा, ज़रा सा ज़ीरा ऐड किया है। और अगर आपको गर्म मसाला ऐड करना है तो कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, मैंने तो जो डब्बे में लगा था बस उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा वो गर्म मसाला ऐड नहीं करना है मुझे, तो ऐसा है। तो ये मसाले को मैं अच्छे से पीस रही हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने ऑनियन पे भी नज़र बनाए रखी हूँ कि वो जल ना जाए। तो हमेशा मैं आप लोगों को रेसिपी ऐसे बताती हूँ कि मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है, अब आप लोग आराम से देख सकते हैं, बट यहाँ पे घाई में खाना बन रहा है ना, तो इसलिए साथ ही साथ पक रहा है, साथ ही साथ तैयारी हो रही है, तो ऐसा है। मसाले में आप लोग समझ गए ना कि क्या क्या है, पूरा हरा मसाला, अदरक लहसुन कोतमीर हरी मिर्ची और धनिया की बुक्की और हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा और एक ऑनियन मैंने ऐड किया है पीसने में। तो यहाँ पे ऑनियन जो मेरा फ्राई हो चुका था उसके अंदर मैंने ये मसाला ऐड कर दिया, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये मसाले को अभी मुझे भूनना है, थोड़ा मैं इसको 2 मिनट भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपना जो टमाटर है ना जो मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, और नमक भी ख़त्म हो गया था एक्चुअली मेरा, तो वो भी मैं अभी निकालूंगी और भरूंगी। तो ऐसा है, यहाँ पे नमक मिलाने के बाद भी मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी ताकि, और है ना, इसको ढक के पकाऊँगी। ढक के पकाने से क्या होगा, मेरा टमाटर अच्छे से गल जाएगा और मसाला अच्छे से तैयार हो जाएगा, और इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी आई ना, तभी मैंने ढक्कन हटाया था, तभी इतनी अच्छी खुशबू, ऐसा लगा मैं जैसे कि ना मटन बना रही हो लेकिन मटन नहीं है ये, एक्चुअली गोभी की सब्ज़ी है। थोड़ा काम ईजी हो जाता है, दाल वाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ऐसी मसाले वाली सब्ज़ी अगर हम बनाते हैं तो ऐसा है। और यहाँ पे मैंने बाजू में चावल भी चढ़ा लिए हैं अपने, चावल और दाल चढ़ चुका है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला मेरे डब्बे में नमक ख़त्म हो गया है, तो बस मैं वही नमक भर रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसा है, और यहाँ पे एक बार बीच बीच में चेक करती जाऊँगी कि टमाटर गले कि नहीं गले। देखिए यहाँ पे खुशबू आई थी मुझे, जब मैंने ढक्कन खोला था ना तब मुझे यहाँ खुशबू आई थी, बड़ी मज़े की खुशबू आई थी, मतलब तड़पती भूख लग रही है और उसके अंदर अच्छी सी एकदम प्यारी सी खुशबू आ जाए तो वो भूख डबल टिबल और बढ़ जाती है, पेट में हाथी दौड़ने लग जाते हैं। बस यही सिचुएशन थी जब मैं ये खाना पका रही थी तब। तो ऐसा है, अभी टमाटर अच्छे से गल चुके हैं तो मैं इसके अंदर अपने जो गोभी आलू मैंने काट के रखे हैं ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये भी गरम गरम पानी था, एक तो हाथ से निकालने में भी दिक्कत हो रही थी तो कैसे कैसे करके मैंने उसको ऐड किया। तो ऐसा है, तो ये मैंने अच्छे से ऐड कर लिया है, अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, अच्छे से मिला लूँगी और आधा ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिसमें मेरी सब्ज़ियाँ कुकर की सीटी कर ले और जले भी नहीं और थोड़ा सी शिरवा बन सके, तो शिरवा मतलब रस्सा बन सके। तो ऐसा है, और इसको भी अच्छे से मिला लूँगी। आप चाहो तो एक बार नमक टेस्ट कर लीजिए, और नमक अगर कम हो तो थोड़ा ऐड कर लीजिए, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जजमेंट ऐसा है ना कि मुझे कब कितना नमक डालना है मुझे पता होता है, तो मुझे वापस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब तक वो सीटी करता है कुकर, 3 सीटी लेनी है मुझे ताकि सब्ज़ी भी गल जाए और मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो जब तक वो सीटी करता है यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पानी घर में अवेलेबल नहीं है, तो बारिश के पानी से मैंने कपड़े भी धोए और बारिश के पानी से ही मैंने ये टब भर लिया जिससे मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। ऐसे ही खड़े खड़े मुझे बर्तन धोना ठीक लगता है, खड़े खड़े आटा गूंदना ठीक लगता है क्योंकि बैठ के मुझसे कोई काम नहीं होते, पता नहीं क्योंकि मैंने 7-8 साल खड़े रह के काम किया है ना, तो अभी बैठ के कुछ काम नहीं होता है मेरे से, सब काम खड़े रह के ही होता है, वरना मेरे घुटनों में दुखता है, थोड़ा उल्टा है मेरा। लोगों को खड़े रहने से पैर में दर्द होता है लेकिन मेरा बैठने से पैर में दर्द होता है, किस किस को ऐसा होता है मेरे को ज़रूर बताना, मेरे को बैठ के काम नहीं होता है। तो चलिए अभी मैं ये बर्तन धो के आप लोगों से मिलती हूँ। सब्ज़ी पक गई है मेरी, देखिए अच्छे से उबल रही है। इसमें अभी मैं कुछ नहीं, सिर्फ ये धनिया के पत्ते डाल दूंगी, कोथमीर थोड़ा सी ऊपर से, और बस इसको थोड़ा दम करना है ताकि इसमें तरी आ जाए। तो ढककर इसको अभी 2 मिनट नहीं, सिर्फ ढक के एक उबाल आने दो, उसके बाद गैस बंद कर दो, आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाती है और तरी भी अच्छी खासी आ जाएंगी ये देखिए। तो चलिए फिर खाना खाते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो देखिए मेरी प्लेट तैयार हो गई है, आओ सब खाना खाने के लिए। अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, और खाने में भी मस्त थी, एकदम मस्त। थोड़ा सी काली मिर्ची पाउडर डाल देना सालन बनाने के टाइम पे, और अच्छी लगेगी। ओके, तो यहाँ पे बाबू आ गए हैं, बाबू ने भी अभी जस्ट खाना खाए और अभी उज़मा के साथ खेल रहे हैं। उज़मा बाहर जाने की ज़िद कर रही थी, बाहर लेके चलो। एक्चुअली उज़मा का ऐसा ही है, जब भी वो बाबू को देखती है तो बाहर ही जाने का रहता है, तो बाबू उसको है ना उसका माइंड भटका रहे हैं, उसके लिए उसके साथ खेल रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना है। हाय।
उज्मा। अरे रुक, खोलने दे, बोतल खोलने दे। रेनकोट पहनो ना, रेनकोट पहनेंगे तब तो ना जाएंगे। लेकिन उसकी ट्रैक तो भीग जाएगी, थोड़ा ऊपर कर लो। टाटा टाटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। हाँ क्या ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। कब आएंगे उज्मा तुम? उज्मा कब आएंगे? सुनो तो सही, कब आएंगे? परसों आएंगे? नहीं, तुम 9 बजे आ जाएंगे। हाँ हाँ, चलो अल्लाह हाफिज करो इन लोग को। बाय। मैं जा रही हूँ नानी के पास। अरे बापरे, अरे बापरे, क्या पहने तुम? क्या पहने? जूता चप्पल पहनो, चप्पल पहनो, चप्पल जल्दी पहनो, चप्पल। कीटो अच्छी है उसमा? कीटो अच्छी है? वो अच्छी नहीं है ये वाली। अरे ये टूट जाएगी बाबू। उसमा कीटो पहनो ना बेटा, ये वाली चप्पल टूट जाएगी बाबू। तो उज्मा तो चले गई अम्मी के इधर पे। एक्चुअली कैसा, दोपहर से ना फ़ोन आ रहा था कि उज्मा किधर है। रियाज भी फ़ोन कर रहा था, उज्मा को 2 दिन से भेजी नहीं है। नहीं तो मैं बोली भाई बारिश हो रही है, रुक जा, मैं कल भेजती, बारिश रुकेगी तो। लेकिन फिर बाद में मेरा भी सारा काम हो गया था और उज्मा को भी खाना पीना खिला के फारिग थी बच्ची मेरी माशाल्लाह से। और बाबू आ गए थे 5:30 बजे के टाइम पे, तो वो भी खाना खाए थोड़ा, फिर उसके बाद उज्मा के साथ थोड़ा खेले और फिर उसको लेके चले गए। एक्चुअली उनको बाहर जाना भी था क्योंकि मेरा जो दूसरा फ़ोन है ना वो पूरी तरह से मतलब चुर चुर हो गई थी उसकी कांच, तो वो डेंजर था अभी। उज्मा बार बार ले रही थी, जबकि उसके हाथ से छीन रही थी फिर भी वो बार बार ले रही थी, तो उसको बनाने के लिए भेजना था, नहीं तो उसको चुप जाता था। तो मैंने बोला ठीक है दोनों को साथ में लेके जाओ, उज्मा को अम्मी के इधर छोड़ो और फ़ोन दुकान पर लेके जाओ। तो ऐसा है, वे लोग 6 बजे गए हैं
तो मैं थोड़ा लेट गई थी, एडिटिंग कर रही थी उज्मा के चैनल की वीडियो की जो अभी जाएगा 8 बजे, तो ऐसा है 7:15 बज रहे। चलो मैं थोड़ी चाय चढ़ा लेती हूँ, है ना, चाय पियेंगे फिर मिलते। ये मेरी है ना सुबह से दूसरी चाहिए, मैंने चाय पीना कम कर दिया। आज दिन भर से मैंने चाय नहीं पी, मैंने सुबह में पी थी जो फर्स्ट कप चाय रहती, मतलब आधा आधा कप करके 2 बार पी थी, और ये दूसरी टाइम चाय बन रही है घर में सुबह से, तो ऐसा है। कोशिश करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, और जिस दिन चाय कम होगी उस दिन भूख ज्यादा लगेगी, और भूख ज्यादा लगेगी तो टाइम पे खाना खाऊंगी तो प्रॉब्लम खत्म होगा शायद। तो चलिए चाय पियेंगे। चाय पीजिए, चाय रेडी है। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली थोड़ा टेंशन है, पता है क्या मुझे टेंशन है, मेरा पैसा अटक गया है। हाँ मेरा पैसा अटक गया है बैंक में। एक्चुअली बैंक में नहीं, मतलब कैसे बताऊँ, मैं कल रात में ना ट्रांजेक्शन कर रही थी, ग्रोफर्स से ग्रोसरी मंगा रही थी, ऑर्डर किया मैंने 23,329 का, बट वो कुछ एरर आने की वजह से वहाँ से बैंक से पैसा तो कट गया बट ग्रोफर से ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उसी वजह से सुबह से 2-3 बार कॉल कर चुकी हूँ बैंक में, तो अभी मेल भी किया है, तो देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेरा 2,329 रुपीज़ अटक गए, तो ऐसे मेरा पैसा अटक गया, तो ऐसा है। तो चलिए फिर मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय, अल्लाह हाफिज़।